हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे हैं और अपना अच्छी तरीके से ख्याल भी रख रहे हैं, है ना? रखिएगा ज़रूर। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे ही मतलब लेकिन उस दिन मैं कल ही शाम को मैं थोड़ा मार्केट चली गई। मार्केट में जाके देखा तो कुछ सब्ज़ी वगैरह, सोचा कुछ खरीद लूँ। वीकडेज के लिए तो लगता ही है ना कुछ सब्ज़ी वगैरह। तो देखा मशरूम्स है मार्केट में, तो वाह, लाइक यू नो मशरूम, पहले लाइक यू नो मैं मशरूम्स बनाने के लिए बहुत डरती थी यार, इसका क्लीनिंग प्रोसेस कैसा होगा, ये किस तरीके से बनाता होगा। पर जब मैंने सब सीख लिया तब मुझे बहुत बढ़िया टेस्ट लगने लगी और ऑसम एंड सिंपल भी है। कुछ उसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं है, पता है। मैं आपको जो आज मैं आपको कढ़ाई मशरूम या मशरूम मसाला, वो आपको मैं किस तरीके से नो घर में आप बढ़िया तरीके से क्लीन करके क्लीनिंग प्रोसेस भी बताऊंगी और उसको किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताऊंगी। बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स, यू नो, और बहुत हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप इस तरीके से बना के खिलाएंगे ना, बहुत पसंद आएगी उनकी। हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लाइक मशरूम का सीज़न कभी है, विंटर सीज़न होता है कि रेनी सीज़न होता है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मशरूम का एक्चुअल सीज़न कभी का होता है। आई थिंक रेनी सीज़न ना, मुझे बताइएगा, बिकॉज आई एम रियली कन्फ्यूज एक्चुअली। सो मैं तो ले आई मशरूम एंड मुझे भी यही टाइम पे हमेशा लाइक यू नो मशरूम मिलता है, तो अच्छा, काफ़ी अच्छा भी था, क्लीन था। सो आई थॉट नो वाई नॉट टू पिक इट अप, तो वो मैं ले आई घर पे। तो चलिए फिर हम बनाते हैं मशरूम मसाला और कढ़ाई मशरूम किस तरीके से बनती है, थिक ग्रेवी के साथ, एंड आप उसे रोटी, नान, पुलाव, राइस के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है, सीरियसली। हाँ तो चलिए फिर बनाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप जो है मेरी वीडियो जो है पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, और आपको पसंद आती है तो आपको क्या करना है, सिंपल लाइक का बटन दबाना है। लाइक बटन दबाने से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि यस आपको पसंद आई, बस दैट्स इट। मुझे सिर्फ उसी चीज़ का पता चलता है और कुछ नहीं मिलता है मुझे। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जाए कि नो मेरे जो भी चैनल के रिलेटेड आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना, सब है ना। तो चलिए फिर फटाफट से हम जाते हैं अपना मशरूम मसाला बनाते हैं। शुरू करते हैं हमारा मशरूम मसाला बनाने के लिए। ओके, सो मशरूम मसाला के लिए मैंने ये जो मशरूम्स है, ये बटन मशरूम्स है, ये मैंने ले लिया है। ये 200 ग्राम का पैकेट है। ये मशरूम्स इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। इसमें इसे वॉश करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देती हूँ। थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर देने से ना इसके सारे जो ये जो ब्लैकिश वगैरह है अच्छी तरीके से ये पूरा क्लीन हो जाएगा। इसे इस तरीके से हमें जो है आटे से इसे रब कर लेना है। पहले इस अच्छी तरीके से पूरा रब करने के बाद हम इसे वाटर से, अंडर वाटर हम इसे वॉश करके ले लेंगे, इसका जो भी है ना ये निकल जाएगा। आपको तो क्लीन वॉशरूम क्लीन वगैरह भी लाइक यू नो मशरूम्स तो अभी वैसे भी क्लीन ही आने लगे हैं, इतना पहले की जैसे यू नो बहुत ख़राब होते हैं वैसे नहीं आते हैं। तो हमें इसका जो पहले वो सब निकालना होता है, जो ये सारे स्टेम्स वगैरह सब निकाल देते थे हम, अभी वैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से थोड़ा सा आटा लगा कर भी अच्छा वॉश कर लेंगे ना, क्लीन कर देंगे, थोड़ा रब करके बढ़िया तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। बस अब मैंने इसे आटे में अच्छी तरीके से पूरा रब करके ले लिया है, इसे अब मैं वॉश कर लेती हूँ। मेरी मशरूम जो है मैंने अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से मैंने इसे पूरा वॉश करके ले लिया है। अब इसे मैं इसका पूरा जो ब्लैक है पूरा निकल गया है। अब इसे मैं सिर्फ टू पीसेस करके काट लूँगी। आप चाहें तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, 3 या 4 टुकड़ा कर सकते हैं। अभी अगर बड़े मशरूम्स हैं तो इसके आप 4 टुकड़ा कर दीजिए, मैं इसके 3 टुकड़ा कर दूँगी। वैसा मशरूम जो है हम इस तरीके से, ये जो है इसका मैंने ये निकाल लिया है। अब इसे मैं इस तरीके से 2-2 पीसेस करके काट लूँगी। अभी जो मशरूम है मैं आपको कट करते कैसे वो बता देती हूँ। ये जो ये हिस्सा है, ये पोर्शन जो है हम कट करके ले लेंगे और इसे मैं इस तरीके से 2-2 पीसेस करके कट कर लूँगी। अरे मशरूम्स मैंने इस तरीके से अभी कट करके ले लिए हैं। मशरूम हमें लगता है कि नो क्लीनिंग बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। मैंने इसे कट तो कर लिया है पर मैं आपको इसका कटिंग और क्लीनिंग आपको अच्छी तरीके से बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले मैंने उसे थोड़ा सा आटा डाल के उसे मैंने अच्छी तरीके से इसका जो भी मट्टी जितना है वो मैंने निकाल करके ले लिया, अच्छे से मैंने उसे वॉश कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए तो आप जो मेरा पूरा जो जब भी मशरूम था ना, ये जो दंठक है आप दंठक को थोड़ा सा प्रेस करके आप इसे निकाल लेंगे तो इसका जो राउंड पोर्शन है वो निकलेगा। फिर आप इसको हल्के हल्के से आप ये इस तरीके से निकाल सकते हैं,
ये पूरा जो है स्किन इसका निकल कर आ जाएगा। पर हमने तो पहले ही उसकी मट्टी वट्टी सब निकाल कर ले लिया है, तो इसे हमें उस तरीके से अभी पील करने की ज़रूरत नहीं है। और डेंटल को जो है मैं इसके साथ अलग नहीं कर रही हूँ। और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये कुछ ये रहने देना है हमको, इसे हमें काट कर फेंकना नहीं है, इसे हमें इस तरीके से रहने देना है। तो अभी देख सकते हैं हमारा सारा जो मशरूम्स है अच्छी तरीके से साफ हो गया है। अब ये देखिए इस तरीके से आपका जो है ना ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। तो मैंने काफ़ी हो के मैंने निकाल कर ले लिए हैं और काफ़ी के मैंने थोड़े रखे थे आपको बताने के लिए। सो इस तरीके से हम जो है निकाल कर ले लेंगे तो ये हमारा पूरा साफ हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मशरूम आपको लगता है कि इसे साफ करने का तरीका तो पता नहीं, अभी इसे कैसे बनाएंगे, तो मैंने आज आपको उसका जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो भी बता दिया। इट्स वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अभी चलिए इसकी मसाला बना लेते हैं। मसाला या कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैंने मशरूम तो अभी क्लीनिंग प्रोसेस आपको बता दिया, अच्छी तरीके से इसे मैंने अभी क्लीन करके भी रख लिया है। अब इसके लिए मुझे लगेगा, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के अनियंस ले लिए हैं, उसे इस तरीके से मैंने बारीक चॉप करके ले लिया है। थोड़े कोरिएंडर के लीव्स लिए हैं, थोड़े करी लीव्स लिए हैं मैंने, 4 मैंने छोटी इलायची ले लिया है, 3 मीडियम साइज़ का टमेटो जो है उसका मैंने प्यूरे बनाकर ले लिया, और ये मैंने 1.5 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मुझे जाएगा 1 चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मुझे जाएगा कसूरी मेथी, 1.5 चम्मच मेरा जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और ये गरम मसाला 1 चम्मच गरम मसाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा कढ़ाई मशरूम या मशरूम मसाला बनाना। इस तरीके का मैंने कढ़ाई ले लिया है, इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाल लिया है, इसे अभी थोड़ा गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी, अब 4 जो छोटी इलायची थी ना वो डाल देते हैं, देंगे प्याज अच्छी तरीके से, जो मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज काटे थे उसे अच्छी तरीके से अभी भून लेंगे। इसे हम थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। आप देख सकते हैं जो प्याज है जो वो अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैं करी पत्ता डाल दूँगी, ये जो करी लीव्स है वो डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं बस 2-4 ही डाल दें फ्लेवर के लिए। 1/2 चम्मच अब हल्दी डाल देते हैं, 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप चाहे तो हरी मिर्च भी काट कर आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च भी जो है 2-3 आप उसे छोटी छोटी डाइसेस में या टुकड़ों में काट के आप उसे डाल सकते हैं। बस आप सिर्फ 2-3 मिनट इसे थोड़ा और भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, बस उसका एक अच्छा फ्लेवर जो है कच्चा स्मेल जो है वो जाने तक इसे थोड़ा हम भून कर ले लेंगे। अब हमारे जो टमेटो प्यूरे थे जो 3 मीडियम साइज़ के टमेटो प्यूरे वो डाल देते हैं, इसे अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करके ले लिया है। बस अब 1-2 मिनट के लिए मैं लिड लगा के रख देती हूँ ताकि टमेटो का जो कच्चापन है वो निकल जाए। दोस्तों मैंने एक इंग्रेडिएंट आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, मतलब ये जो क्रीम है ये जो मलाई है ये मैं जो घर में ही जमाती हूँ। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी मार्केट से आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप काजू का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 20-25 काजू ले लीजिएगा, उसे अच्छी तरीके से थोड़ा पानी डाल के आप ग्राइंडर में पेस्ट कर लीजिए। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप काजू का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जो मलाई है ना, अगर आप घी घर में बनाते हैं तो घी के लिए मलाई जो जमा करके रखते हैं वो मलाई आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने वही मलाई यूज़ की है। और अगर आपको किसी दिन आपने प्लान किया, अगर आप ऐसी मलाई आप नहीं जमाते हो तो आप क्या कर सकते हो ना, जिस दिन आपने प्लान किया है कि चलिए आज मशरूम बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं इसमें मलाई के लिए ना, आप घर में तो दूध आता ही है रोज़, उसे थोड़ा गर्म कर दीजिए, बढ़िया तरीके से गर्म कर देना, और उसे जैसे गर्म हो जाएगा उसके बाद हल्के से गैस बंद करके निकाल दीजिए। जस्ट 1-5 मिनट के बाद आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, फिर जब भी आपको लाइक इवनिंग को बनाना है तो सुबह से रख दीजिए, तो एक अच्छा लेयर जम जाता है, इतना थिक लेयर जम जाता है वो क्रीम का, तो बस उसे निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं।
है ना, तो हमें बाहर जाके मार्केट से क्रीम लाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको मॉर्निंग में बनाना है तो रात में आप उसे गर्म करके फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आप देखेंगे तो इतनी मोटी आपकी जो क्रीम है ना वो जम के निकलेगी, तो वो आप निकाल के रख दीजिए। सो हो गया ना तैयार। आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर तेल अभी रुकना चालू हो गया है। अब इस टाइम पे मैं हमारा गर्मा गर्म गर्म मसाला डाल देंगे, बस एक चम्मच गर्म मसाला डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसे। अब जो हमारे जो क्रीम था जो मैंने आपको बताया था वो डाल देते हैं। क्रीम डालने का एक फ़ायदा है, आप क्रीम डालो या तो फिर आप व्हाट यू से काजू पेस्ट वगैरह डालो, इस चीज़ का एक्चुअली मेन इंटेंशन क्या होता है ना कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत क्रीमी हो जाती है, क्रीमी आपको टेक्सचर देता है एंड इट टेस्ट ऑल्सो लिटरली टेस्ट वेरी यम। आपके पास कोरिएंडर पाउडर होगा तो आप कोरिएंडर पाउडर डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर डाल रही हूँ, ये डाल के बस एक 5 मिनट के लिए मैं इसे अभी ढककर रख देती हूँ पकने के लिए। बस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से तेल रुकना चालू हो गया है। अब मैं हमारे मशरूम जो है वो डाल देती हूँ, मशरूम डाल देंगे, सॉल्ट डाल देते हैं एज़ पर योर टेस्ट। बस जो हम अभी हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है कसूरी मेथी वो डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से क्रश करके डालिएगा, मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही ड्राई रख सकते हैं बट मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें करीबन लाइक यू नो एक आधा ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, आधा ग्लास जैसा एक पानी डाल दूंगी मैं। बस एक आधा ग्लास जैसे ही मैंने पानी डाल दिया है इसको, अब इसे मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगी ढककर पकने के लिए। देख सकते हैं मेरी मशरूम मसाला जो है कितनी बढ़िया तरीके से सारा तेल जो है ये ऊपर छूट गया है और कितनी बढ़िया तरीके से इसका टेक्सचर भी आ गया है और थिकनेस भी आ गया है। बस अब ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ।